हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 में हमने वीडियो बनाया था, उसमें जो एक्सरसाइज सॉल्व किया था, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन आई स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डे। यहाँ पे जो बुक है उसके बारे में बताया गया है कि एक स्कूल में 4 दिन में जो बुक है उसे सोल्ड किया गया है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, और टोटल जो बुक्स है कितना सोल्ड किया गया है इन 4 दिनों में उसके बारे में बताना है। जब भी टोटल की बात किया गया है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना। सिंपल सी बात है, चारों को ऐड करना है, तो बस लिख लेना है। चलिए हम लोग लगाते हैं अब सवाल को। तो पहले क्वेश्चन का अगर मैं लिखूंगा तो लिखेंगे द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, पहले दिन की बात की है ना, तो फर्स्ट डे कितना हो जाएगा, यहां पे दिया है 1094। वही फिर मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, अब सेकेंड डे में कितना हुआ है, सेकेंड डे में जो हमारा हुआ है वो कितना है, 1812। नंबर ऑफ टिकट जो तीसरे दिन सोल्ड हुआ है, थर्ड डेज में, वो कितना हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड डे कितना हुआ है, तो यहाँ पे है 2050। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, अब आखिरी लास्ट डे की अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे लिखा है फाइनल डे कितना है, यहाँ पे है हमारा 2751। यहाँ पे अब मुझे द नंबर ऑफ टोटल टिकट्स की बात किया है, टोटल टिकट्स, जब भी हमें बोलेगा टोटल टिकट तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल टिकट्स। जब टोटल की बात आएगी तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 421, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, और 11 और 9 20, 20 का 0 कैरी 2, तो यहाँ पे 8 और ये कैरी 2, 8 2 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 27, 27 का हो जाएगा 7 कैरी 2, और यहाँ पे फिर आगे जाएंगे तो ये हमारा 1 है, 1 1 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7, तो बस ये हमारा आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस, ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। तो यहाँ पे मुझे एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में जो प्लेयर थे उन लोगों को कितना टोटल बनाना था, टोटल यहाँ पे 10,000 रन बनाना था, जिसमें से उन्होंने 6,980 रन टेस्ट मैच में बना लिया, तो बोल रहा है उसे कितना रन्स और चाहिए। तो बस टोटल रन जो अचीव था कितना था,
टोटल अचीव रन्स जो हमें था, अचीव रन्स कितना बनाना था, वो था हमारा 10,000। कितना था? 10,000। इतना हमें स्कोर कर, इतना हमें बनाना था कोई। और स्कोर कितना किया उसने, जो रन्स स्कोर किया उसने, स्कोर कितना किया, यहाँ पे है 6,980। इतना रन उन्होंने स्कोर किया। अब उन्होंने बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसे कितना रन और चाहिए। तो यहाँ पे जो नीडेड रन है कितना है, आगे जो उसे कितना रन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रन नीड्स कितना चाहिए उसे। तो यहाँ पे मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बस निकल जाएगा, 0,0,0 हो गया। यहाँ पे 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा आपका। यहाँ पे 9, 9 में से 9 जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे है 9, 9 में से 6 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना रन उसे और बनाना पड़ेगा तब वो जाके पूरा तरह से स्कोर कर पाएगा, पूरा रन बराबर कर पाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन से चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, बोल रहा है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 348700 वोट्स बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो यहाँ पे एक इलेक्शन की बात हो रही है, वहां पे एक कैंडिडेट को कुछ वोट मिले हैं। जो वोट मिले हैं वो कितने हैं आपके, 577,500 वोट उसे मिला है। और जहां पे उसके राइवल हैं यानी कि उसके जो विरोधी हैं उसको कितना वोट मिला है, यहाँ पे 348,700 वोट मिला है। तो कह रहा है कितना मार्जिन हुआ। जब भी यहाँ पे मार्जिन की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोट्स जो है उसमें से राइवल के वोट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्जिन के कितने वोट हैं। तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं सवाल को इस पे। तो लिखेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ सक्सेसफुल, लिखेंगे द नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड वोट। कितना हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना हुआ, ये हमारा हुआ 577,500। इतने वोट हमारे कैंडिडेट के रजिस्टर्ड हो गए हैं, इतना वोट उसे चाहिए। अब यहाँ पे जो उसके राइवल्स हैं, जो उसके विरोधी हैं, उन लोगों ने, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुल, यहाँ पे आपके जो राइवल्स हैं उसने कितने सिक्योर्ड किया है, तो राइवल सिक्योर्ड कितना उसने सिक्योर्ड किया है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा, अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 348,700। इतने वोट्स आपके राइवल्स ने सिक्योर किए हैं। बाकी हमसे पूछ रहा है मार्जिन, तो जब भी मुझे मार्जिन की बात करेगा, मार्जिन की, तो मार्जिन में मैं इसे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो बस आगे मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 से 0, 0 आ जाएगा, 0 से 0, 0 आ गया, 5 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से एक कैरी, 15, 15 में से 7 जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे हुआ 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी, 16, 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ पे बचा है 6, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे बचा हुआ है 5, 5 यहाँ पे बचा हुआ मेरा, इधर से एक कैरी गया था ना, नहीं कैरी नहीं गया था, 5 है, 5 में से 3 जाएगा 2। तो यहाँ पे मुझे इतने मार्जिन से
अभी चाहिए था, तो आंसर हमारा कितना हो गया, इतना ही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें मार्जिन पूछ रहा था बाई व्हाट मार्जिन, तो यहाँ पे इतने वोट के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ ₹4,67,68 इन द सेकेंड वीक। द मंथ हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। इन वीक्स वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच। तो यहां पे कीर्ति जो है, क्वेश्चन बोल रहा है कीर्ति जो है वो एक बुक स्टोर पे गई और उसने बुक को पहले वीक में बेचा, सोल्ड किया, बेचा है कितने रुपए में बेचा है, 2,85,000, ₹2,85,891 उसने बुक्स को सोल्ड किया, कीर्ति का बुक स्टोर जो था वहां से। और सेकेंड वीक पे उसका जो सेलिंग हुआ वो 4,768 हुआ। तो कह रहा है हाउ मच, जैसे ही हाउ मच बोलेगा हाउ मच सेलिंग की, तो यहाँ पे मुझे टोटल की बात कर रहा है, तो बस हम लोगों को टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति का कितना बुक सोल्ड हुआ, तो लिखेंगे इन अ फर्स्ट वीक, इन अ फर्स्ट वीक बुक्स सोल्ड कितना सोल्ड हुआ, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2,85,891 इतने रुपीज का मुझे बुक फर्स्ट वीक में सोल्ड हुआ। वहीं अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं, यहां पे फर्स्ट वीक की जगह मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड वीक की। अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं कि जो बुक्स सोल्ड हुआ है कितना सोल्ड हुआ है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया था 4 लैक्स कितना 100 है, यहाँ पे 768। फिर मुझे ये बोल रहा है क्वेश्चन में हाउ मच सेलिंग, तो यहाँ पे इसका मतलब टोटल की बात किया गया, किसका बात किया गया, टोटल। तो टोटल की जब भी बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो कुछ नहीं 8 और 1 हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यहाँ 5 कैरी 1, यहाँ पे 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो 16 ये 6 हो गया कैरी 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये मुझे टोटल सेलिंग इतने रुपीज का हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पे आगे बोला है कि इन विच वीक्स वाज मोर सेलिंग, किस वीक, मतलब यहाँ पे जो मोर सेलिंग हुआ है किस वीक में हुआ, तो हमें आइडिया लग गया कि सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है जबकि फर्स्ट वीक में कम सेलिंग हुआ है, लेकिन उसने बोला है कि कितना सेलिंग हुआ है, तो जब भी कितना सेलिंग बोलेगा तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंसेस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि सेकेंड वीक का मुझे जो सेलिंग हुआ था कितना था, 4,768 था। अगर इधर आपको लोगों को लिखना है तो वही सेम लिखना, इन अ सेकेंड वीक द बुक्स सोल्ड, फिर फर्स्ट वीक में जो सेलिंग हुआ था कितना हुआ था, 2,85,891, और मुझे पूछ रहा है कि कितना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा आया 7, यहाँ पे आया कैरी 16, 16 में से 9 जाएगा तो बचा 7, यहाँ पे हुआ 6, यहाँ से कैरी आया 16, 16 में से 8 जाएगा 8 आया, यहाँ पे बचा 9 क्योंकि यहाँ से कैरी गया था, तो यहाँ पे 9 9 हुआ है, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे बचा है 3, 3 में से 2 जाएगा 1। तो इतना मुझे जो ये मिला है ये मुझे ये बताता है कि सेकेंड वीक से फर्स्ट वीक के कंपेरिजन में
कितना ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो मेरा दो आंसर आया, एक आंसर ये आया जब मुझे टोटल पूछा कि कितना कुल टोटल सेलिंग हुआ है बुक्स, और दूसरा बोला कि सेकेंड और फर्स्ट वीक की कंपैरिजन में, तो एक आंसर यहाँ पे ये आया। तो इस हमारे फोर्थ क्वेश्चन में जो बोला है दो आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग डिजिट 6.2.7.4.3 ईच वंस। तो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है कि कुछ आपको नंबर दिया है, इन नंबर से मुझे ग्रेटेस्ट भी बनाना है, इन्हीं नंबर से मुझे लीस्ट नंबर भी बनाना है, और उन दोनों का डिफरेंस कर लेना है। तो नंबर हमें जो दिया है क्या क्या दिया है आइए देखते हैं। पहला जो नंबर है 6 है, फिर मुझे 2 है, यहाँ पे 7 है और 4 है, देन आपका 3 है। इन्हीं नंबर से मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट नंबर, मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहां से जो ग्रेटेस्ट नंबर मेरा बना, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 6 है, 6 लिखेंगे, 6 नहीं है 7 है, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 6 है 6 लिखेंगे, देन 4 है 4, फिर 3 और लास्ट में 2। यहाँ पे मुझे लीस्ट नंबर भी बनाना है तो लिखेंगे लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर जो मेरा बना वो कौन सा है, तो लिखेंगे सबसे छोटा, इसी का जस्ट उल्टा कर दो, 2 3 4 6 7। और इसके बाद मुझे क्या बोल दिया है क्वेश्चन में कि डिफरेंसेस करने हैं। जब भी डिफरेंसेस की बात करेगा तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 7 यहाँ पे 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी कैरी आया 12, 12 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे आया 5, फिर यहाँ पे 2 कैरी आया 12, 12 में से 6 जाएगा 6, फिर यहाँ पे आपका 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ पे कैरी आया 13, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आया 9, फिर यहाँ पे 5, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर यहाँ पे आया 7, 7 में से 2 जाएगा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक दिन में एक मशीन 2825 स्क्रू जो है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है। कह रहा हाउ मेनी स्क्रूज, कितने स्क्रू डिड प्रोड्यूस प्रोड्यूस होंगे इन अ मंथ जनवरी 2006। जनवरी के 2006 में यह मशीन कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा। तो आइए चलते हैं, जो होगा लिखेंगे नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रू, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रू इन वन डे। एक दिन में जो स्क्रू है वो मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, तो वो क्वेश्चन में दिया है कि 2825 इतना स्क्रू वन डे एक दिन में मैन्युफैक्चर हो रहा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है कि जनवरी का जो मंथ है, जनवरी का मंथ, तो जनवरी के मंथ में कितना डेज होता है यहाँ पे, तो 31st डेज होता है। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी मैन्युफैक्चरिंग स्क्रू, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रू कितना स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो जनवरी में मुझे पता है कितना डेज होता है, जनवरी का मंथ 31st डेज का होता है, तो एक दिन में इतना स्क्रू, तो 31st डेज में कितना हो जाएगा, 31 को मैं 2825 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आइए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर।
वन से फाइव में करेंगे फाइव, टू एट टू, अब थ्री से करते हैं थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन हो जाएगा, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का फोर कैरी टू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और टू एट, यहाँ पे इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, फाइव हो गया, फाइव टू सेवन हो गया, और एट और सेवन फिफ्टीन हो गया, और यहाँ पे फोर टू सिक्स, सिक्स और वन सेवन हो जाएगा, और ये एट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स हुआ। आगे का एक्सरसाइज 1.2 का जो सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे शूट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और अपने कमेंट जरूर दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स।